person program of the consumer rights organization Arunachal Pradesh. And now, to formally start our program, we have with us recently we have selected last month we have selected the our one state member as well as this one distribution. He is still with the state government in the line. He has not yet been finalized. It has not come, I think. No, it has not yet come. I do not understand the reason why the state government is playing on with that. When this year I am drawing attention. We have selected the district for a member, state for a member. So why is this line here? And this is the way you are acting. This is the way you are acting. Yes, the government, they are not taking the interest. Or at least they are not taking interest. I don't say taking interest. It has not been rightly pointed out to them. I would say like that. Or they have not understood the very idea how this consumer's rights have been now, it has been percolated or it has been affected in all over the world. Not only here, all over the world. In international conference I have found in Malaysia, Singapore, very effectively they have done it. Very effectively. And here our district forum members, state forum members, they have not yet been cleared by the government till now for more than 1 month. It requires hardly 1 minute or half minute. That is the thing, so many things are from the state government side also, so many things are to be done. And these things, and I find that this type of organization, they can also, I request them to look into all these aspects so that the effective consumerism goes on in this step. Iska jo Government of India 1986 mein ye Consumer Rights Protection Act banaya gaya hai. इसका तहत इस प्रदेश अरुणाचल में खास करके कितना तक एक्टिव है, कितना एक्शन ओरिएंटेड है, ये बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग को नहीं है. तो उम्मीद करता हूँ कि आज नया जो प्रेसिडेंट अजय बगन, इनका सारा टीम है, मैं समझता हूँ कि ये जनता या ग्राहक या हमारा जो कंज्यूमर्स का जो जागरूकता होगा, अवेयरनेस होगा, आज के दिन से या ये महीना से शुरू होगा अरुणाचल में. और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से हम लोग जानकारी के हिसाब में, जैसे ये एक हमारा डिप्टी डायरेक्टर ने बताया, इन्होंने एक्टिविटीज लीगल मेट्रोलॉजी जो है काम कर रहा है पहले से, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है, इसके ऊपर में इतना हमारे जो कंज्यूमर्स है, ग्राहक के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट है, इसका इल इफेक्ट इतना ज्यादा है कि इसको हम लोग हिसाब ही नहीं कर सकते. इसके ऊपर में सरकार, खास करके अभी हम चीफ मिनिस्टर ऑफिस में है, इसके ऊपर भी सर गवर्नमेंट को भी डिसीजन लेना जरूरी है. और जो भी डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट जो है इनके ऊपर में भी एक क्लियर कट जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में है, अगर उनको रखना है, पब्लिक के सामने रखना है. कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन जो आज हमारे यहाँ पे जो लॉन्च, जो इंडक्शन प्रोग्राम जो हो रहे हैं, ये 2010 से है इंडिया में, 2010 से. और इसका मोटो, इसका मोटिव जो हमारे कंज्यूमर को क्वालिटी सामान से लेकर हमारे साथ में जितना भी एक्सप्लॉइट होता है कंज्यूमर के अगेंस्ट में, उन सभी को ये फाइट करने के लिए ये इंडिपेंडेंट
गवर्नमेंट का अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पैन इंडिया बेसिस है, इसमें कोई अरुणाचल में बैठ के सिंपली कोई फॉर्म किया वाला ऐसा नहीं है। तो मैं 2-3 साल से इसका टच में था, सेंटर से बातचीत करता था, तो उन्हें वो अच्छा लगा है। ओके, ये मिस्टर बगर को अगर हम इसमें स्टेट इंचार्ज देते हैं तो ये पक्का इस एसोसिएशन को या ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर पाएगा। और कि उन्होंने मुझे 2018 के जो मार्च का जो ये में 26 तारीख में उसने मुझे ये अपॉइंट करता है, उसमें दिल्ली में हिसाब का तराजू जो पल्ला पत्र जो यूज करता है कॉमर्सियल उसको रिन्यू करता है, चेक एंड बैलेंस करता है हमारा ऑफिसर स्प्रिंग जो रहते हैं, तो उसी को संगठन का ऑर्गेनाइज हम लोग इन्फोर्सिंग करने वाला डिपार्टमेंट है जिसका नाम है जॉइंट एंड मेजर्स डिपार्टमेंट, लीगल मेट्रोलॉजी एंड लीगल मेट्रोलॉजी बोलते हैं। तो कंज्यूमर अफेयर जो आ गया, जो प्रेजेंट कंज्यूमर अफेयर जो है नोडल डिपार्टमेंट का कंज्यूमर अफेयर जो है लीगल मेट्रोलॉजी, तो इसलिए लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर हम लोग का भी तार में मुनो आता है हम लोग का। उसी में अभी सीआरसी का जो प्रेसिडेंट जो बोला है, हाँ हम लोग तार में तो हिंदी में हम लोग का डिपार्टमेंट का जागो जागो होता है, अब जागेगा तब तो पब्लिक अवेयरनेस होगा, तो जो बायर जो अलर्ट होगा तो आपका सोच खत्म होगा, वहां से शुरू होता है। अरुणाचल के लोगों को बाहर दुनिया से इतना मालूम नहीं होता है, लेकिन अपना लेवल में बाहर से भी ज़्यादा मालूम होता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे ऐसे एक स्टेज है सारा दुनिया को मैं जानता हूँ, लेकिन सारा दुनिया अरुणाचल को जानता ही नहीं है। मैंने काफ़ी स्टेज में किया है, काफ़ी दोस्तों को बात किया है, काफ़ी लोगों को मिला है, लेकिन इंडिया ऐसे एक स्टेट है अरुणाचल को कोई जानता ही नहीं है। अरुणाचल इंडिया को, सारा इंडिया को जानता है, ऐसे एक स्टेट है। इसलिए यहाँ पे अगर कुछ काम करना है तो सर डील से करिएगा, नहीं तो आपका खिलाफ भी आने वाला होगा। अरुणाचल में ना गवर्नमेंट का स्टेबल होने का क्षमता रखता है, ना पब्लिक स्टेबल होने का ना क्षमता रखता है, ना या कोई भी एसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एक स्टेट है अपना मामा बन जा या भाई दादा अगर मिनिस्टर नहीं बना, एमएलए नहीं बना, ऑफिसर नौकरी नहीं मिला, उसका खिलाफ में आंदोलन छेड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं बोलता, मेरा बोलने का मतलब जो कंज्यूमर अफेयर अगर अरुणाचल में अभी शुरू होने जा रहा है जो संगठन लेवल में, तो यहाँ में लीगल मेट्रोलॉजी तो काफ़ी ये समय से है, लेकिन इसका अवेयरनेस काफ़ी कमी है। मैंने देखा है काफ़ी लोग प्रेम रह से किया, उससे भी 7-8 गुना 10 गुना यहाँ पे बेचा जाता है, कह सके कपड़ा में। अब लोग सिर्फ कमिटी का बात करते हैं कपड़ा में, अरुणाचल में किसी का फिक्स नहीं होता है, कैरेक्टर का फिक्स नहीं होता है, कुछ का फिक्स नहीं होता है। तो मेरे यहाँ पे मैक्सिमम आप एक चीज़ आपको आप लोगों को पता है, आप आपका केरासिन का या कोई भी अदर लिक्विडिटी जो हम लोग स्टूडेंट नेता भी इवन कोई भी इंटेलेक्चुअल फॉर्म बोलता है कि एजुकेशन ठीक होना है, हेल्थ ठीक होना है, एग्रीकल्चर ठीक होना है, हॉर्टिकल्चर ठीक होना है, और ये सोसाइटी को सोसाइटी ठीक होना है, लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशन में पैसा देता नहीं है, हेल्थ में देता नहीं है, एग्रीओटी में देता नहीं है, मेरे यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन में देता है। इसलिए सारा का सारा क्लास 2 से लेकर क्लास 10 का बच्चा भी पूरा कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए ढूंढता है। अभी यार हर कुछ लोग फेसबुक में देखते हैं एजुकेटिव इंजीनियर का ऑफिस बंद है, अरे यार भागना नहीं पड़ेगा यार, वो तो ऑफिसर है, उसको ऑफिसर में ट्रेन नहीं करता है, एकदम वही माने पैसा का मालिक है। तो अरुणाचल ऐसे एक सोसाइटी है, क्योंकि मैं तो पहले बिजनेस करता ही नहीं था, मैं पहले ऑफिस जाता ही नहीं था, जब से आपसू का एक ऑर्गेनाइजेशन को संभाला है 1 साल से मैं मालूम है।
अरुणाचल में इतना कमजोर है सर, आप आज इतना अवेयरनेस करने से भी, यहाँ का मिनिस्टर, यहाँ का सेक्रेटरी, कमिश्नर, डायरेक्टर इतना कमजोर है, इतना कमजोर है। जो आदमी जो है कानून को पालन करना चाहिए वही लड़के देता है, नहीं मैं डिसीजन नहीं लेगा।